फाइनली द डे इज ओवर हियर कि मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे, सो दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट द ट्रिप। अब थोड़ा आपको जो बिहाइंड द सीन है ना वो बता देता हूँ कि लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था द ट्रिप वॉज ऑल अबाउट द फूड समथिंग ऐसा करके कुछ था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। उस व्लॉग को अपलोड किए हुए हो गए अप्रोक्सीमेटली एक डेढ़ महीना हो गया है, और बीच में मैंने हम लोग गए थे फैमिली ट्रिप में कच्छ भुज अंजार, बट उसका भी मैंने एक पूरा व्लॉग शूट किया था, पूरे दो व्लॉग को एडिट भी किया था, बट पर्सनली गाइस मुझे इतना मज़ा नहीं आया था उस व्लॉग को एडिट करने के बाद। सो अगर मुझे मज़ा नहीं आया तो आप लोगों को आई एम श्योर कि मज़ा नहीं आएगा, अगर आएगा बट फिर भी वो चीज़ मुझे मज़ा नहीं आएगी क्योंकि वो व्लॉग मुझे पसंद नहीं आया था। सो उस व्लॉग को कर दिया था मैंने डिलीट, और उस व्लॉग को मैंने डिलीट किया था ऐसा भी मैंने एक व्लॉग बनाया था, और एक मेरे हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ गया था उसके रिगार्डिंग। सो वो व्लॉग भी एडिट करने के बाद मुझे मज़ा नहीं आया था, तो उसको भी मैंने कर दिया था, मतलब डिलीट और अपलोड नहीं किया था। और देख रहा था कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी के बारे में कि कुछ ऐसा हो तो बढ़िया सा व्लॉग करूँ मैं। सो फाइनली द अपॉर्चुनिटी इज ओवर हियर। इफ यू डोंट नो गाइज आई हैव मेनली ओके बिसाइड माई पेरेंट्स आई हैव मेन थ्री माई फ्रेंड्स यू मे कॉल्ड हैशटैग बी एफ एफ दैट आर निकुंज मनीष एंड रुद्रेश। निकुंज के साथ था मैं LKG से 7th स्टैंडर्ड तक, और रुद्रेश और मनीष के साथ था मैं 8th से 12th स्टैंडर्ड तक। सो मैं और निकुंज जा रहे हैं मुंबई, आज डेट है 23 और आज रात को हम जाने वाले हैं मुंबई के लिए। और रुद्रेश और मनीष के साथ भी बढ़िया प्लान होता है क्योंकि बेसिकली मेरा अभी एक महीने का वैकेशन है, मेरे एग्जाम्स GTU की थर्ड सेमेस्टर की खत्म हो गई है, बट इतनी सारी ट्रिप की सो मेरे पास मतलब बहुत एक होता है ना लिमिटेशन, जिसे समझ रहे हैं ना लिमिटेशन जो पेरेंट्स के थ्रू होती है वो ओवर हो गई थी। मतलब ऐसा कोई इश्यू नहीं था बट कितनी ट्रिप फिर एक बंदा अकेला कर सकता है। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कुछ बड़ा करेंगे नेक्स्ट ईयर में मनाली या फिर इस तरीके से। सो फिलहाल अभी तो मैं जा रहा हूँ निकुंज के साथ, और फिर रुद्रेश और मनीष के साथ भी एक बड़ी सी ट्रिप प्लान होने वाली है। सो आई होप कि गाइस ये ट्रिप का जो पूरा व्लॉग बनेगा उसमें मुझे भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। सो यप स्टे ट्यून्ड गाइस। अहमदाबाद पहुंच गए और मैंने बुक कर लिया अपने लिए कैब, और जाऊंगा मैं सीधा अपने दोस्त के पास निकुंज के पास। सो वहां पे जाके फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। 3 घंटे में अहमदाबाद आ गया हूं, और यप ये था एक अपडेट। सो फिर मिलते हैं डायरेक्ट निकुंज को मिलने के बाद। बाय बाय। ओके गाइस सो फाइनली ढूंढ रहे हैं, और दिस इज माई ट्रिप पार्टनर जो बोला था मैंने निकुंज, और वो इनलीगल तरीके से मुझे अपनी हॉस्टल के पार्किंग में तो लेके आए। अब हम ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से ऊपर जाएंगे। ओके गाइस सो फाइनली हम लोगों ने कुछ जुगाड़ कर लिया है अंदर रहने का, और हमारी ट्रेन जो है वो रात के 9 बजे की है, और अभी बजे है 4 बजे, तो इसका सामान भी कुछ पैक करने का बाकी है। सो पैक कर लेंगे, और आई नो आई एम लुकिंग लिटिल बिट वियर्ड। सो यहाँ तक का जो अपडेट, हमारी मीटिंग बहुत डेंजर तरीके से हुई, जस्ट सीधा आया और मुझे सीधा लेके आ गया। देख रहे थे सभी लोग कि अननोन पर्सन अलाउड नहीं होते ना कॉलेज में। सो बाय फॉर नाउ। एज यू कैन सी फाइनली हम लोगों ने जो बैक पैक अपना कंप्लीट कर लिया है, हम लोग जा रहे इधर से सीधा रेलवे स्टेशन, थोड़ी इंक्वायरी करनी, उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा नाश्ता पानी करने। अभी बजे है 5:10 हुई है, और हम लोग निकलने वाले हैं। सो यही प्लान था, और अभी हम जा रहे हैं जैसे कि मैंने कहा मणिनगर, और कुछ टिकट की इंक्वायरी करनी है क्योंकि अभी वो टिकट है वो RAC में है। सो पूरी जो है पूरी तरीके से फाइनल टिकट नहीं आई है, आई होप कि थोड़ा अंधेरा हो गया इसलिए नहीं दिख रहा है, बट जो ये अपडेट था वो मैंने सोचा बता दूं। फाइनली काफ़ी मतलब एक दिमाग में रहता है कि एक बैचलर ट्रिप जो है ना वो स्टार्ट होने जा रही है, बैचलर ट्रिप करेंगे बट फाइनली जो है बैचलर ट्रिप हो रही है आज, और जा रहे हैं बस यही। आई होप कि सब कुछ ठीक तरीके से हो जाए, और ये दिखने रहे तो बाय फॉर नाउ। तो गाइज बिहाइंड अस अभी है मणिपुर रेलवे स्टेशन, और अभी हम इंक्वायरी करने आए थे हमारी मणिनगर रेलवे स्टेशन, और ये है हमारी टिकट, आई होप कि आपको दिख रही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स, हमने बुक कर दिया है कैब को, सो फिर वहाँ जाके मिलते हैं। टिकट जो है वो अभी RAC में ही है, कंफर्म नहीं हुई है,
बट हम दोनों को एक बर्थ मिलेगा, एक सीट मिलेगी, सो चलता है, इसमें एडजस्ट कर लेंगे कुछ। सो मिलते हैं आपको रेस्टोरेंट में, बाय। सो एज यू कैन सी बिहाइंड अस देर इज अ ट्रेन, लोक शक्ति एक्सप्रेस, और अभी तो बजे 7:30 बजे, पर फिर भी जो है ट्रेन स्टेशन पे आ चुके हैं, सो इट इज़ गुड फॉर अस। और अभी देखते, अभी जो डिब्बा है हमारा खुला नहीं, और जो नाम है हमारा वो लिस्ट में आ गया है, पर एक ही सीट मिली है, सो देखते आगे कुछ हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सो दिस इज अवर ट्रेन, वी आर गोइंग टू बॉम्बे। ओके, फाइनली वी आर डन एट मुंबई, हम लोग आ गए, और अभी बजे सुबह के 6:15 बजे, और हमने बुक कर दिया हमारे लिए कैब, तो जस्ट आती होगी फिर जाएंगे हम जहाँ पे हमारा स्टे है दादर स्वामी मंदिर पे, उधर से फ्रेश ब्रेश होके हम निकलेंगे घूमने के लिए, मुंबई दर्शन के लिए। ये आज का प्लान है, सो आगे जो जो अपडेट होगा वो मैं देते रहूँगा। ट्रिप काफ़ी बढ़िया थी, जो हम दोनों के बीच में पहले कॉमन सीट थी, फिर जो है वो हो गई अलग से, मिल गई थी, तो मज़ा आया एकदम, ट्रिप कंफर्ट थी। सो मिलते आगे जब एकदम फ्रेश ब्रेश हो जाए तब। सो गाइस, फाइनली हमारी जो ट्रिप थी मुंबई दर्शन की वह शुरू हो गई है। आगे का जो सीन था कुछ बकवास के उन लोगों ने, वो मैंने शूट नहीं किया था, बट फिलहाल हम है अरेबिक सी में, और आप देख सकते हैं पीछे दिख रहा होगा, आपको चाहिए तो ले सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी। और आई होप कि काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत सारे जो चीज़ें कवर करने वाले हैं, सब पूरा मुंबई दर्शन हो जाएगा। पिछली बार जब मैं आया था तब वो उतना जो है ठीक से नहीं हुआ था, तो देखते इस बार किस तरीके से होता है। सो ये अभी तो जो इन्जॉय करें इस पूरी बोट राइड का, सो देखते उसके बाद क्या होता है और कहाँ पर जाते हैं हम लोग। ओके गाइस, सो जैसे कि आपने वो देखा, क्या था वो, किसका अड्डा, भाऊ का धक्का हम गए थे, और उधर बोट का राइडिंग की हम लोगों ने, और उसके बाद हम आए थे, जैसे कि आपने देखे हमारे फोटोज़, आए थे हम गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल देखी, पुरानी ताज, नई ताज, सारा फोटो जो आपने उधर पीछे देखे है वो, और इसके बाद हम जाएंगे महालक्ष्मी मंदिर, वहाँ पे करेंगे लंच, उसके बाद है हाँ ये आपने देखा हो, सो उसके बाद है सिद्धिविनायक टेम्पल, और उसके बाद है एक 4D सिनेमा की आधे घंटे की, अप्रोक्सीमेटली जो आधे घंटे की थी वो मूवी है, और उसके बाद और जैसे कि टाइम है अभी, आई होप कि आपको दिख रहा है 2:12, और लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, और मैंने तो आइसक्रीम खाया, इसने भी गन्ने का जूस पिया, सो फिर देखेंगे इसके रिगार्डिंग क्या होता है। सो हम मिलते हैं डायरेक्ट आपको जब कुछ मिलेगा अच्छा सा व्लॉग करने के लिए, सो तो तब तक के लिए बाय। फाइनली जो है महालक्ष्मी मंदिर पे स्टॉप था, और उसके बाद मैं और निकुंज गए सरदार पाव भाजी, जिसके आपने देखा फोटोज़ इसके पहले। मुझे पर्सनली हर मज़ा आती है पाव भाजी में, मैं पिछली बार भी गया था, इस बार भी मैं इसको लेके आया, तो तेरा रिव्यू क्या है पाव भाजी के रिगार्डिंग? बहुत अच्छा, बढ़िया है, कैसे एक बार ट्राई करो आप, मतलब पूरा बटर 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 एकदम बढ़िया है। और फिलहाल अभी हमें सिद्धिविनायक मंदिर, और टाइम यहाँ पर बहुत कम दिया गया है, तो 10-15 मिनट में आ जाने, तो हमने सोचा कि हम कल सुबह आएंगे ठीक से दर्शन करेंगे। सो और आज रात का प्लान की बात करूँ तो कुछ दादर के नज़दीक जो कोई कैफ़े होगा उधर जाने का प्लान है मेरा और निकुंज का, और आगे कुछ इंटरेस्टिंग है अपना 24 अच्छा प्लान, तो कल का अच्छा प्लान है, वो क्या है कल हम सीधा कर ले, मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊँगा। फाइनली गाइस, दिस सेकंड डे ऑफ द मुंबई ट्रिप,
और कल रात जयपुर हम लोग थक गए थे, और थक गए थे मतलब क्या हुआ था कि ये नज़दीक एक कैफे उसमें गए थे, फिर जल्दी से आना पड़ा क्या रूम पे वापस, और मतलब और इतनी गहरी नींद आई ना कि कुछ पता नहीं चला, ऐसा यूं करके सुबह हो गए क्योंकि बहुत थक गए थे। और बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हम जहाँ रह रहे, ऊपर तो हमारा है मेन जो स्वामीनारायण मंदिर, और दिखाता हूँ मैं हम जहाँ पे रह रहे वो वाली जगह। अभी बजे सुबह के 7, और अभी हमारा प्लान है कुछ नाश्ता करने का क्योंकि पेट पूरा खाली है, बढ़िया भूख लगी है, और उसके बाद हम जाएंगे मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव से जाएंगे मॉल पे घूमेंगे वूमेंगे। आगे का जो भी प्लान है वो मैं धीरे धीरे आपको बता रहूँगा। सो ये था क्विक अपडेट, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कुछ कहना बाकी नहीं रह गया, वी आर इन सेकेंड लार्जेस्ट मॉल इन द इंडिया, दैट इज फिनिक्स मॉल, और काफ़ी बढ़िया मॉल है दोस्तों। मैं पूरा आपको दिखा तो नहीं सकूंगा, बट जितना हो सके उतना दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को देखने में इतना टाइम लग जाएगा। सो आई होप कि मैं ठीक तरीके से व्लॉग कर पाऊँ आपके लिए। सो या एंजॉय द मॉल। ओके, सो इट इज़ अ लास्ट डे ऑफ आवर मुंबई ट्रिप इन मुंबई, और अभी हम जा रहे हैं, अभी बजे सुबह के 7 बजे, और अभी हम जा रहे हैं मिशल पाव खाने, जो कि एक पुणे की बेसिकली ब्रेकफास्ट डिश है, पर यहाँ पे मुंबई में भी मिलती है। उसका नाम क्या है, आस्वाद रेस्टोरेंट करके, उधर हम जा रहे हैं। सो आई होप कि उधर मज़ा आएगा और आपको फुटेज और फोटो मिल जाएगी। ओके, सो वी आर डन विथ आवर लंच, और अभी बजे है दोपहर के 2:37, और अभी हमारी जो ट्रेन है वो तो होने वाली है 8 बजे। सो अभी हम जाएंगे यहाँ से हमारे रेलवे स्टेशन, और बीच में कुछ जो है लेना है स्वीट वगैरह वो भी लेंगे। हम कल फैशन स्ट्रीट गए थे पर इतना ज़्यादा मज़ा आया नहीं, या कुछ खास था नहीं लेने के लिए, सो कुछ ज़्यादा शॉपिंग हुई नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस अपडेट गाइस, bye for now. Okay guys, so the time is 6:51, and right now as you can see behind me we are at railway station, and the trip is almost going to over, and behind us there is a train by which we are going, Indian Railway Lok Shakti Express. Or summary of the trip, बहुत मज़ा है। मैं दूसरी बार मुंबई आया, ये पहली बार आया, पर इस बार हमने लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया काफ़ी बढ़िया था, एकदम पूरा लोकलाइज तरीके से जो है घूमे हैं। एक छोटी सी टिप, कोई भी शॉपिंग करो तो फैशन स्ट्रीट से मत करो, कौन सा मॉल था, प्राइम मॉल करके है, किधर है, प्राइम मॉल विले पार्ले एरिया में प्राइम मॉल है, एटलीस्ट वहाँ से करो कोई इलेक्ट्रॉनिक या फिर क्या कपड़े की खरीदी। इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी आपको, बट काफ़ी फैशन स्ट्रीट से तो बढ़िया है। सो ये जो छोटी सी टिप थी, एंड यप गाइस दैट्स इट फॉर दिस ऑल ट्रिप, मेरे को बहुत मज़ा आया, होप कि तेरे को भी मज़ा आया होगा इस ट्रिप में, और यप यही कहना था इस ट्रिप के और पूरी। दैट्स इट फॉर दिस ट्रिप गाइस, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, इफ यू रियली लाइक दिस व्लॉग मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, एंड आई विल प्रोवाइड निकुंज इंस्टाग्राम लिंक ओवर हियर, सो इफ यू वॉन्ट you can follow him, and click over here to subscribe my tech card YouTube, click over here to subscribe my MTC vlog YouTube channel, and yeah guys, see you soon in my next video. Till the next video, be happy, take care, always smile, and bye bye guys.